बच्चों, साइंस कंजुगेट में फिर हाजिर हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर का है, एनालिटिक फंक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ एफ जेड इज रेगुलर फंक्शन जेड, प्रूफ करना हमें डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4f मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक ना, तो ये देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो गिवन होगा, क्योंकि ये रेगुलर फंक्शन दिया हुआ है और इसका जो गिवन होगा वो उस क्वेश्चन का प्रूफ होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसका उस क्वेश्चन का जो गिवन है प्रूफ था और इस क्वेश्चन का जो गिवन है। तो आइए देखते हैं, डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर ब्रैकेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(z) का होल का स्क्वायर, f(z) का होल का स्क्वायर, होल का मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये आपको पिछली वीडियो में प्रूफ करा चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर देख लें। इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है f(z) की। तो जब भी एफ डैश जेड की जरूरत हो तो यू स्क्वायर के साथ हमें वी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक ना, इज इक्वल टू 2f(z) का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, बात समझे? ठीक, अब एफ जेड की जरूरत है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्वेश्चन कम से कम आपको 10 नंबर कैरी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को निगलेक्टेड ना करें और ढंग से कॉपी पर नोट्स बनाएं और सॉल्यूशन वीडियो से ले सकते हैं और इसको ढंग से कर सकते हैं। ठीक, तो एडिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर वी स्क्वायर। टिक, अब एल एच एल ऐड हो जाएगा। टिक, टू और टू क्या हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं 2f(z) का होल स्क्वायर, ये मॉडुलस है दो वर्टिकल लाइंस, प्लस 2f(z) मॉडुलस का स्क्वायर। टिक, अब यहाँ पर ये फंक्शन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। टिक, अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टिक, और ये जो f(z) है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉमन f(z) मॉडुलस में स्क्वायर। टिक, हम जानते हैं, सिंस वी नो, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी। ठीक ना, क्या होता है, यू प्लस आई वी, और f(z) इज इक्वल टू क्या हो सकता है, जेड, नहीं जेड की जरूरत नहीं यहाँ पे, मैं स्क्वायर की जरूरत है। ठीक, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक ना, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पर मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस हो जाएगा साइन। टिक, तो ये फंक्शन भी हमारा मॉडुलस हो जाएगा, वैसे यहाँ यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया हमने, मॉडुलस, तो मॉडुलस में आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है +1। ठीक ना, ऐसे आप लिख के जरूर आए +1। ठीक ना, मॉडुलस में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, +1। टिक, ये वाली वैल्यू यहाँ कैरी कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना मॉडुलस f(z) का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आई थिंक ये चीज़ उतर के आ जाएगी 4f(z) का होल स्क्वायर। ठीक, यही प्रूफ था, इसको हम बोल सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक,